हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द पर बोले पीएम मोदी, नॉलेज से ही बढ़ता है सेल्फ रिस्पेक्ट। आज से पूरे महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू, जाने राज्य के हालत क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। बैतूल में महिला को दिया कोरोना वैक्सीन का डबल डोज, बाद में कह दिया सॉरी। केंद्र सरकार भारत में बिना ट्रायल के विदेशी वैक्सीन को देगी मंजूरी, जाने वजह। कोरोना की दूसरी लहर से बड़ी महंगाई, सरसों तेल का भाव 200 रुपए तक पहुंचा, दाल से लेकर डब्बा बंद दूध तक महंगा। शादी के सीजन में खरीदे सस्ता सोना, 10,000 रुपए तक गिर चुके हैं भाव। सीनियर सिटीजन को तोहफा, SBI, ICICI समेत ये बैंक 30 जून तक दे रहा ज्यादा ब्याज, आप भी इस तरह ले फायदा। देश भर में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, अब रोजाना संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा 2,00,000 के करीब तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,84,372 कोरोना के नए केस आए और 1,027 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 82,339 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले सोमवार को 1,61,736 नए केस आए थे। आज देश में कोरोना की स्थिति, कुल कोरोना केस 1,38,73,825, कुल डिस्चार्ज 1,23,36,000, कुल एक्टिव केसेस 13,65,704, कुल मौतें 1,72,085, कुल टीकाकरण 11,11,79,578। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच लगातार CBSE परीक्षाओं को रद्द करने की मांग हो रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक दलों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा CBSE बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित या रद्द करने की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक अहम फैसला लिया। बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से दी गई जानकारी के परीक्षाओं अब जून महीने के पहले हफ्ते से शुरू होकर जून के अंतिम सप्ताह तक आयोजित होगी, जिसका शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से प्रस्तावित थी। महाराष्ट्र में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हालत बेहद चिंताजनक हो गए हैं। राज्य के अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर्स कम पड़ गए हैं, ICU में जगह खाली नहीं बची है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर देखते हुए उद्धव सरकार ने आज के मिनी लॉकडाउन लगा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए रात 8 बजे से 15 दिनों तक राज्यव्यापी मिनी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में आज से सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। पूजा के सभी स्थल, स्कूल, कॉलेज और निजी कोचिंग सेंटर्स, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर भी 1 मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र द्वारा विदेशी वैक्सीन को अनुमति देने के फैसले को लेकर एक बार फिर से तंज कसा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि दूसरे देशों के टीकों को भी मंजूरी दी जाए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता विदेशी कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। विदेशी वैक्सीन को अनुमति देने की खबर की कर्तन शेयर करते हुए वायनाड के सांसद ने ट्वीट किया, पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे, फिर आप जीत जाएंगे। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और कई विदेशी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इससे एक दिन पहले रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया था। सरकार ने ये कदम इसीलिए उठाया ताकि समय रहते लोगों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके और तेजी से फैलती इस बीमारी का संक्रमण तोड़ा जा सके। भारत जिस तेजी से विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे रहा है, उसे साफ है कि आने वाले समय में आपके पड़ोस में केमिस्ट की दुकान पर भी वैक्सीन मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे अन्य दवाएं मिलती है। पहले भारत में 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराक दी जा रही थी।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में 70 साल की वृद्ध महिला को नर्स ने कोरोना वैक्सीन का डबल डोज एक ही बार में लगा दिया। इतना ही नहीं, वृद्धा को वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे तक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में भी नहीं रखा गया। महिला फिलहाल स्वस्थ है, लेकिन डॉक्टरों के उस पर लगातार नजर रखने को कहा है। लापरवाही का ये मामला बैतूल के ITI वैक्सीन सेंटर पर सामने आया है। वृद्धा के बेटे रघुनाथ डोंगरे ने बताया कि वे अपनी माँ सयाबाई डोंगरे को वैक्सीन लगवाने ITI सेंटर पर लेकर गए थे, जहां नर्स ने उन्हें एक ही बार में वैक्सीन के 2 इंजेक्शन लगा दिए। बाद में जब रघुनाथ ने नर्स से इस बारे में पूछा तो उन्होंने सॉरी कहकर पल्ला झाड़ लिया। रघुनाथ ने मामले की शिकायत जिला टीकाकरण अधिकारी से की है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी कोई फेरबदल नहीं किया है। आज लगातार 15वें दिन पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर बने हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल के दाम 90.56 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 80.87 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। पेट्रोल है 96.98 रुपए प्रति लीटर और डीजल है 87.96 रुपए प्रति लीटर। इसके पहले दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 22 पैसे और डीजल के दाम में 23 पैसे की कटौती की गई थी। रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नहीं, दरें लागू हो जाती है। कोरोना महामारी के दौरान SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सीनियर सिटीजन को बड़ा तोहफा दे रही है। बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू ही स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम की डेडलाइन को एक बार फिर बढ़ा दिया है, यानी अब आप जून तक ज्यादा ब्याज दरों का फायदा ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 वर्ष और अधिक के कार्यकाल के लिए विशेष FD योजनाएं शुरू की है। देश में सबसे बड़े बैंक SBI ने इसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। SBI में मौजूदा समय में आम नागरिकों को 5 साल की अवधि तक 5.4% ब्याज का लाभ मिलता है। ये स्कीम 5 साल या इससे अधिक की अवधि के लिए होती है। की दूसरी लहर ने आम जनजीवन को एक बार फिर प्रभावित कर दिया है। तेल, दाल, दूध से लेकर अन्य सामानों की कीमतों में इजाफा देखा गया है। सप्ताह भर पहले 140 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला सरसों का तेल अब 200 रुपए के पास पहुंच गया है। नोएडा, गाजियाबाद में खुदरा भाव में 190 से 200 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों तेल बेचा गया है। रिफाइंड सोया तेल की कीमत 5 रुपए बढ़कर 1340 रुपए प्रति 10 किलोग्राम हो गई है। पिछले साल से लेकर अब तक कुकिंग ऑयल की कीमतें करीबन 25% महंगी हुई है। यहां तक कि मूंगफली का तेल, जो पहले 3 महीनों तक स्थिर था, अप्रैल में दाम बढ़ गए हैं। शादियों के सीजन में अगर आप सोने की खरीदारी करने जा रहे हैं तो उससे पहले आज की रेट जरूर चेक कर ले। कल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड 545 रुपए बढ़कर 46,964 रुपीस पर बंद हुआ था। ऐसे में आपके लिए सोना खरीदने का ये सही समय हो सकता है। 24 कैरेट गोल्ड के भाव की बात करें तो आज राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 49,860 रुपीस है। इसके अलावा चेन्नई में 47,690 रुपीस, मुंबई में 45,750 रुपीस और कोलकाता में 48,550 रुपीस प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड के भाव की बात करें तो दिल्ली में 10 ग्राम का भाव 45,700 रुपीस है। इसके अलावा चेन्नई में 43,740 रुपीस प्रति 10 ग्राम है, कोलकाता में 45,850 रुपीस और मुंबई में 44,750 रुपीस प्रति 10 ग्राम है।